चला एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की सुबह कुछ ऐसी थी, मैं आज थोड़ा लेट लपेट थी अपने काम में, बिकॉज़ मैंने लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा रेस्ट कल भी लिया था मैंने और आज सुबह भी थोड़ा सा लेट से उठी मैं। और उठते के साथ ही नहा धो के मैं खाना बनाने में लग गई अपना, क्योंकि आज बनना था चूल्हे पे खाना और आज बहुत ही स्पेशल खाना बन रहा है। आज बन रहा है बिहारी भोज। तो जब भी भोज होता है गाँव में तो एक पर्टिकुलर तरह का हर जगह खाना सर्व किया जाता है, तो यहाँ पर जो खाना सर्व होता है भोज में वो मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे सर्व किया जाता है दाल चावल। दाल चावल बहुत इम्पॉर्टेंट है भोज में सर्व होना। दाल चावल दही तिलौरी बनती हैं, पापड़ और अलग अलग तरह के कुछ पापड़ होते हैं वो किए जाते हैं, आलू दम की सब्ज़ी बनती है या फिर आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनती है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर दाल जो है ना बिना भूने नहीं बनती है, तो मैं दाल को भून रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ना भून करके कभी दाल नहीं बनाई है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सौंधापन बहुत बढ़ जाता है। बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी सी दाल बनके तैयार होती है। तो मूंग की दाल ऑलरेडी भुनी रखी हुई है, अरहर की नहीं भुनी हुई थी तो वो मैं भून रही हूँ, और फिर दोनों को मिक्स करके मैं दाल बनाऊँगी। यहाँ पर ज़्यादातर मूँग की दाल खाई जाती है या फिर मूँग और अरहर मिक्स करके खाई जाती है। मूँग का बहुत चलन है क्योंकि मूँग बहुत होता है, तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही खाई जाएगी। तो मैंने अरहर की देखिए यहाँ पे दाल भून करके तैयार कर ली है, इसके अंदर मूंग की दाल को मिक्स करूँगी, इसको वॉश करूँगी और फिर हम इसको चूल्हे पे बनाएंगे। चूल्हे में बना हुआ खाना स्वाद में बहुत ही उत्तम होता है। और एक चीज़ और उसमें अगर मिल जाए ना तो क्या कहने, वो है मिट्टी का बर्तन। तो आज मैं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाने वाली हूँ, और ये वही मिट्टी का बर्तन है जिसमें लास्ट ईयर हमने खीर बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो वही मिट्टी का बर्तन माँ ने एकदम साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था, और तब से अभी तक 2 साल हो गए उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं बनाया है। हम लोग आए हैं तो फिर से वो मिट्टी का बर्तन उतारा गया है। चूल्हे में मैंने हल्की आंच दे दी है, बहुत तेज़ आंच पे भी मिट्टी का बर्तन नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंडा गर्म का असर होता है तो मिट्टी का बर्तन फूट जाता है, और खाली भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने जैसे ही चढ़ाया तुरंत मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं दाल इसमें जो धो करके मैंने रखी है वो ऐड कर दूँगी, हल्दी और नमक डालूँगी। तो दाल तो एकदम सिंपल है जैसे हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें बस अलग यही है कि एक तो मैंने दाल भून के बनाया है, दूसरा मिट्टी के बर्तन पे बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है, तो उसका स्वाद अलग ही आएगा। आप मिट्टी का बर्तन अगर यूज़ नहीं कर सकते, चूल्हा यूज़ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इसको भून के बनाइएगा, बहुत टेस्टी ये दाल बनके तैयार होगी। भोज वाला खाना बन रहा है, दाल सारा भोज इसमें ही बनेगा, सारा भोज इसमें ही बनेगा, आज उनको घर में भोज करवा देंगे। केले के पत्ते पे खाएंगे, दाल भात तिलौरी, और क्या बन रहा है, तिलौरी नहीं मिलता यहाँ पे ना, आलू दम। मैंने पूछा तो कह रहा है कि नहीं ये पहले चलत रहे अब ना चलई छई, जो चले छई वो ले लेंगे और क्या। कौन कर लो बोले, हमरा तो हुए चाहिए। कौन कर लो वही का नाम है ओकर, रंजीत होसाई क्या उसका नाम है, दल घुटनी, मतलब गला जैसे घोट देते वैसे दाल को घोट दे, दाल वाले दाल घटनी ऐसे मिला करता है, का मतलब समझ लो सिद्धार्थ भाई, गांव के लैंग्वेज कैसे सिखवाई तू, दाल घटनी अब थोड़ा बोले दाल को मिलाना पड़ता है। Thank you.
दाल हम इस तरीके से खुला हुआ पका रहे हैं तो ओबियसली इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। दूसरी तरफ मैंने ये गैस पर ही ना बॉईल कर लिए थे आलू, आलू दम बनाने के लिए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग अगर हम इस पे करेंगे ना चूल्हे पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही बहुत समय लग गया था इसमें खाना बनाने में, तो आलू उबल गए थे उनको मैं छील रही हूँ, इससे मैं बनाऊँगी आलू दम। और दाल देखिए हो चुकी है इस टाइम तक दाल, तो इसको घोट रहे हैं। दाल की ये दल घुटनी है जिससे दाल घोटी जाती है, थोड़ा सा थिक हो जाता है क्योंकि हम खुला खुला पकाते हैं और मिट्टी का बर्तन भी है, तो इस वजह से दाल बहुत ही थिक हो गई थी। तो धीरे धीरे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ ताकि उसको थोड़ा सा मैं पतला कर सकूँ। दाल हमारी हो गई है तो इसको हटा देंगे और उसके बाद मैं आलू दम बनाऊँगी ताकि दाल सब्ज़ी बन जाए, और लास्ट में एकदम बनाएंगे हम चावल ताकि जब हम सर्व करें तो चावल एकदम गर्मा गर्म हो। दाल हो गई है, अब भोज में या तो आलू दम बनाया जाता है या फिर आलू टमाटर गोभी की सब्जी बनती है ना। तो मैं पता नहीं मेरे को वैसे तो ज्यादातर मैंने भोज खाया है, पापा ने बताया भोज में जो रहता है आलू, तो आलू दम बना रहे हैं, दाल आलू दम चावल भात, चावल नहीं भात बन रहा है। चूल्हे का खाना खाए लाओ ना मुझे क्या बेटा, चप्पल पहन के तुम घुस गए। एक मिनट एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट रखो, मुझे छौंकने दो ना इसको पहले, मुझे ना डालना है, चलो उधर खड़े हो जाओ। मेरा तो मन कर रहा है ये भी जिंदगी व्यतीत करे बेटा, इसको भी ये भी कह रहा है मुझे यही रहना है, मुझे जाना नहीं है। सिद्धार्थ इधर आओ, लो इसमें से उधर रहो, उधर उधर रहो उस साइड, दो चम्मच इसमें जाएगा जीरा, डालो दो चम्मच जीरा जाए, थोड़ा ऐसे डालना मेरे ऊपर ना पड़ जाए सब, थोड़ा नीचे करके डालना, वेरी गुड। तेज पत्ता का नाम तेज पत्ता क्यों बना, तेज है क्या बहुत दिमाग से है, उसको डालने से खाना तेज हो जाता है। ये लो इधर आ, भाग खा रहा है भाई, थोड़ा बैठ के डालो गांव में रहे धुआं बर्दाश्त नहीं रहे, चलो डालो लाल मिर्च, प्याज उठाओ, पूरा प्लेट उठाओ ये मेरे को दो, जल्दी नहीं जल गया सब, बहुत जल्दी करो भाई, लहसुन डालो खाना बनाने आया था भाग गया। आलू दम की सब्ज़ी ना मैं थोड़ा डरते डरते बना रही थी, बट बहुत अच्छा बना था, माँ को तो इतना पसंद आया ना कि उन्होंने बचा हुआ आलू दम दो बार और खाया है, तो इतना अच्छा बना उन्होंने बोला बिल्कुल भोज के तरीके से बना है। मैंने कभी नहीं बनाया भोज, ना मैंने भोज जाकर कभी खाया है, बिकॉज़ जब भी यहाँ पर भोज के लिए बुलाते हैं तो जेंट्स लोग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे समहाउ बन गया बहुत अच्छा, माँ को बहुत पसंद आया, मौसी को बहुत पसंद आया, पापा को बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा लगा कि अरे वाह बहुत अच्छा मैंने काम किया है कोई। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल आलू दम था, तेल के अंदर मैंने जीरा डाला था, लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है उसको ऐड किया था, प्याज डाला था, और प्याज ऐसे ही स्लाइस हैं, नॉर्मली स्लाइस हैं, और मैंने लहसुन और जीरा जैसा कि आपने देखा पीस करके रखा था, तो लहसुन और जीरा का जो पेस्ट था लगभग डेढ़ बड़ा चम्मच भर करके मैंने डाल दिया है। जैसे ही प्याज देखिए कलर चेंज कर चुके हैं तो मैंने वो पेस्ट ऐड किया है, इसको थोड़ा सा मुझे भूनना है, जस्ट कच्चापन चला जाए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि एकदम ना कई बार आँच तेज़ हो जाती है चूल्हे की तो एकदम सूखा सूखा कढ़ाई हो जाता है, ऐसे में ना जलने के चांस होते हैं, तो एक दो चम्मच पानी डाल के अगर आप भूनेंगे तो एकदम बैलेंस मसाला रहेगा, कहीं से जलेगा नहीं, क्योंकि ज़रा सा भी अगर नीचे लग जाता है तो पूरी सब्ज़ी का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, भून भी रही हूँ साथ में, और अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले बिल्कुल सिंपल हैं, दो चम्मच मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच डाला है धनिया का पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी रेड चिली का पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे क्योंकि यहाँ के खाने में ब्लैक पेपर बहुत पड़ता है, तो 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी का पाउडर,
और गरम मसाला, गरम मसाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गरम मसाला अगर आलू दम में ना पड़े ना तो बात ही नहीं बनती है। तो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। ये सारे मसाले बाहर के ख़रीदे हुए हैं, मतलब MDH का आई थिंक गरम मसाला ये रहा होगा। बस इसको अच्छी तरीके से आप भून लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूनेंगे। अगर आप गैस पर भी बना रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूनिए, उससे मसाला बहुत अच्छा भुनता है और फ्लेवर बहुत ही उभर के आते हैं सारे मसालों के, और प्याज जो है ना वो भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसको भून लेंगे हम, उसके बाद हम इसके अंदर जितना हमको पानी चाहिए वो ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और जो हमने बॉईल किए हुए आलू छील करके रखे थे ना वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे ना वैसा नहीं है कि आलू को आप अलग से प्रिक करके फिर उसको फ्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मसाला बनाया और उबले आलू हम इसमें डाल देंगे। मसाला ऐसा ही बनना चाहिए, एकदम बढ़िया झोर वाला मसाला बन के तैयार होगा। और बस सॉल्ट डाल दिया है, आलू डाल देंगे इसके अंदर, थोड़े बहुत आलू आप 2-4 आलू फोड़ के डाल दीजिए, बाकी ऐसे साबुत के साबुत, क्योंकि ये छोटे छोटे आलू थे तो मैंने ऐसे ही साबुत के साबुत इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और बस इसको अच्छे से उबाल लीजिए। 3-4 मिनट उबालने के बाद ना ग्रेवी भी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी, सारी चीज़ें एक सार हो जाएंगी और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा आलू दम विलेज स्टाइल बन करके तैयार हो गया है। इसको साइड कर लेंगे और बस मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगी राइस। अब ध्यान से नीचे देखे और कीड़े उड़े भी होते हैं उसमें, उनमें तो है ऊपर ऊपर भी वो है ना ऊपर वाले पत्ते, वो या हाँ ये काट ले, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं तो कथी कहाँ फ्रेश है, वो वाला फ्रेश है, वहाँ कहाँ जाओगे अंदर तो उतरा पचा आ जा, सुनो नीचे बचा के गंजा देखना गंदा आऊँ मैं, नीचे कचरा देख लिया वो नीचे गंदा देख लिया, अरे अरे सुनो सुनो इनमें कीड़े ना हो कहीं काट, आप संभल के रहो ना, कुर्सी लाऊँ क्या, एक फत्ता में होगा, माँ को दे दो, मेरा साड़ी ऐसा है ना, माँ को दे दो, इस बार यहाँ सफाई नहीं हो रखी है, केले भी नहीं है इस बार, हाँ ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, हाँ इसके पीछे वाला जो है, हाँ ये खुल के एकदम अच्छा हो जाएगा, बाप रे कितना रस निकलता है इससे, एकदम टपकने लगता है रस, नहीं नहीं हो जाएगा, बहुत बड़े हैं ये, सही में ज़रूरत नहीं होगी, केले के पत्ते पे आज खाना खाया, इसका दाग बहुत लगता है, ध्यान से लग गया क्या, बच गया हाथ में गिरा, एकदम पानी ऐसे प्रेशर से निकला ना, हाँ एकदम जैसे फुहारा बन के पानी निकलो, इनको वॉश करना है फिर हम खाना खाएंगे, खाना भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, दही वही तिलौरी वगैरह रख के मज़ा आ जाता है आज तक, आज भोज का खाना खाने को मिला। ज़्यादातर माँ ना लहसुन से छौंका नहीं लगाती हैं दाल को, अगर उन्हें लहसुन डालना भी होता है तो वो कूट करके और दाल में उबलते समय डालती हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ जीरा और सूखी मिर्च का यहाँ पे छौंका लगा रही हूँ, हींग वगैरह भी आप डाल सकते हो, तो ये दाल का तड़का एकदम सिंपल वाला ये लग जाएगा। और बस अब एक चीज़ रह गई है सिर्फ, वो है पापड़ तलना। और पहले ना भोज में तिलौरी चलता था लेकिन अब तिलौरी मिलता नहीं है, हस्बैंड गए थे ढूंढने के लिए तो उनको कहीं मिला नहीं, तो जो ये वाले हैं ना ये यहाँ हमेशा आपको भोज में मिलेंगे, जो हम फ्राइम्स खाते हैं ना कलरफुल वाले, ये चीज़ आपको हमेशा भोज में मिलती है, ये हार्ट शेप वाले या राउंड शेप वाले इस तरीके के और तरह तरह के कलर वाले, और साथ में पापड़ चलता है, दही चलता है, तो ये एक बेसिक सा भोज है जो यहाँ पे जब भी कुछ होता है और लोग भोज करवाते हैं तो ये चीज़ें रहती हैं, दाल चावल आलू की सब्ज़ी और ये सारी चीज़ें।
प्लान हुआ कि यहीं खाना बनाया तो सब लोग यहीं बैठ के आंगन में ही आराम से खाएंगे। मैंने कहा कि बाहर वाले रूम में लगा लेते हैं, फिर माँ ने बोला नहीं वहाँ नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बाहर बहुत आना जाना लगा रहता है, तो इसीलिए माँ ने बोला नहीं अंदर वाले यहाँ पे जो हमारा आंगन एरिया है यहाँ पे सबके लिए खाना लगाओ। तो पापा नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो इसीलिए उनके लिए कुर्सी लगाया, बाकी नीचे हमने बिछा दिया है, कुछ लोग नीचे जो बिछा हुआ है उस पर बैठेंगे कपड़े पे, और जो ये पेढ़ई होती है ना इस पर भी हम लोग बैठ जाएंगे। तो बस अब इंतज़ार है फटाफट खाना खाने का, सबको भूख भी बहुत लग गई थी, और जब इतना यमी खाना बनाओ ना तो ऐसे ही कंट्रोल नहीं होता है। आलू दम देख रहे हो ना आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत यम्मी था। और ये खाना जिस सोच के साथ मैंने बनाया था ना कि भोज वाला खाना हम बनाएंगे, पता नहीं कैसे लेकिन बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट ये खाना बनके तैयार हुआ था। ऐसा लग रहा था मन तृप्त तो हो गया खा के, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो बहुत बढ़िया ये खाना बना था। ये पूरा मेन्यू आप ट्राई कीजिएगा बिहारी भोज का, और मुझे पक्का पता है आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो वन बाय वन करके हमने सबको खाना परोस दिया है, फिर मैंने और हस्बैंड हम दोनों ने, मतलब हस्बैंड भी परोस रहे थे मेरे साथ में, मैं किसी को कुछ चाहिए था, नमक चाहिए था, पानी चाहिए था, वो सब ला ला के दे रही थी, और फिर हमने परोसा खाना और हम साथ में खा रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा था, सब खाने में लगे हुए थे क्योंकि भूख भी बहुत लग गई थी, चूल्हे पर बनते बनते थोड़ा सा समय लग गया था, तो सब इन्जॉय करके खा रहे हैं। और बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ पर, अभी मुझे देख कर भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं फिर से। और कभी कभी ना मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, और जहाँ पे मुझे ये मौका मिलता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से फिल्म करूँ, शूट करूँ। और अगर ये प्लेटफॉर्म से अलग बात करें तो हम कितनी वीडियो बना पाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो हम कितनी वीडियो बनाएंगे, कितनी फ़ोटोज़ खींचेंगे, बट ये प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम इतना वीडियोस बनाते हैं, और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है। जब भी हम इसको देखेंगे तो हमेशा हमारे फेस पे एक स्माइल आएगी, और ये मोमेंट्स हम दोबारा से जी पाएंगे एक तरीके से, चाहे स्क्रीन पे ही देखकर क्यों ना हो, लेकिन हम इसको दोबारा से जी पाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। 2 साल से गांव में हम लोग नहीं आ पा रहे थे, तो मैं अपने पुराने वाले विलेज व्लॉग्स देखती थी और मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि फिर से हम लोग जाएँ। तो इसीलिए ये एक मेमोरी सीरीज़ बनती जा रही है, और जब भी हम इसको सालों बाद देखेंगे तो मुझे पता है हम बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए बातें बहुत हो गई, फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।